ओके, तो ये जो स्पीकर है दोस्तों अहूजा का 300 वाट का स्पीकर है, और इस स्पीकर को दोस्तों अभी हम लोग फिटिंग करने वाले हैं सिंगल 15 का कैबिनेट में। और जो भाई डीजे में बहुत पहले से काम कर रहे हैं या फिर अभी न्यू भी हैं, उनको ये स्पीकर के बारे में ज़रूर पता होगा, क्योंकि अहूजा का ये स्पीकर सबसे ज़्यादा बिकने वाले स्पीकर में से एक है। और 300 वाट का ये स्पीकर दोस्तों लाइव प्रोग्राम के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है, क्योंकि इस स्पीकर में दोस्तों बहुत ही अच्छा मिड क्वालिटी देखने के लिए मिलता है। और अगर आप एक डीजे वाले भाई हैं तो इनको तो आप पहचानते होंगे इस स्पीकर को। तो अभी हम लोग इसका अनबॉक्सिंग कर रहे हैं, तो सबसे पहले ऊपर में देख सकते हो दोस्तों एक सिंपल सा इसका पैकेजिंग दिया गया है, ऊपर से ये कार्टून टाइप से दिया गया है। बाकी इस स्पीकर को दोस्तों पूरी तरह से प्लास्टिक के रैपर में पैक किया गया है, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका मैनुअल गाइड दिया हुआ है, और यहाँ पर कुछ इसका स्टिकर टाइप से दिया हुआ है जो कि स्पीकर के पीछे लगता है। बहुत कोई नहीं लगाते हैं लेकिन लगाना चाहिए, इसको दिया ही जाता है इसे यूज़ करने के लिए। बाकी दोस्तों इस स्पीकर का लुक और डिज़ाइन देख सकते हैं, प्लास्टिक के रैपर में पूरी तरह से पैक है, ऊपर से यहाँ पे टेप लगाया गया है जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और ये जो स्पीकर है दोस्तों मिड क्वालिटी के लिए बहुत ही बेस्ट है, और जो भी भाई इस स्पीकर को यूज़ करते हैं नीचे कमेंट में ज़रूर बताना कि इस स्पीकर का रिस्पॉन्स कैसा है। मुझे तो पर्सनली ये लाइव प्रोग्राम में बहुत ही अच्छा लगता है, डीजे में थोड़ा सा इसका परफॉर्मेंस मुझे कम लगता है, कम क्या लगता है, इसमें मिड ज़्यादा अच्छा मिलता है। बाकी यहाँ पे अहूजा का इसमें ब्रांडिंग दिया गया है, LF स्पीकर ये लिखा हुआ है, और ये 300 वाट RMS पावर का स्पीकर है और 15 इंच का स्पीकर है, 8 ओम्स पे काम करता है ये स्पीकर, मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है, तो और क्या चाहिए आप लोगों को। बाकी साइड में यहाँ पे देख सकते हो होलोग्राम सब कुछ, इसका चेची मुझे काफ़ी अच्छा लगा, और चेचीज में यहाँ पे देख सकते हो अहूजा का ब्रांडिंग दिया गया है जो कि ओरिजिनल स्पीकर में ही होता है। तो अगर आप इस स्पीकर को लेना चाहते हो या फिर डीजे का कोई भी सामान लेना चाहते हो तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। बाकी यहाँ पे फ्रंट लुक इसका देख सकते हो काफ़ी अच्छा है, यहाँ पे दिया गया है, पर्दा भी काफ़ी अच्छा है, और इस स्पीकर में दोस्तों काफ़ी अच्छा मिड देखने के लिए मिलेगा और बेस भी काफ़ी अच्छा देखने के लिए मिल जाता है। तो दोस्तों मैं इस स्पीकर को पूरी तरह से फिटिंग किया था, लेकिन पता नहीं मेरा सेकंड वीडियो कैसे डिलीट हो गया, जिसमें कि मैं फिटिंग करके इसका टेस्टिंग भी किया था, लेकिन वो वीडियो डिलीट हो जाने के कारण मैं इस स्पीकर का टेस्टिंग मैं आप लोगों को नहीं दिखा पाऊँगा। कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को दिखा दूँ इसका टेस्टिंग। तब तक के लिए दोस्तों इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करेगो तभी मेरे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाएगा और आप उस वीडियो को देख पाओगे, इसलिए सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर देना।